किशनगंज जिला शिक्षा विभाग का विवादों से नाता टूट नहीं रहा है। लाखों के वारे न्यारे करने के बाद लापरवाही का भयंकर मामला सामने आया है, जिसकी वजह से नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने के सपने पर पानी फिर सकता था। दरअसल नियोजित कर्मियों को जिस दस्तावेज के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला था, वो सभी डॉक्यूमेंट कूड़े के ढेर से बरामद किए गए हैं। ये सभी दस्तावेज ठाकुरगंज ब्लॉक के हैं, जिसे टीचरों ने सत्यापन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में BRC के जरिए जमा करवाया था। किशनगंज DPO के रोल बाग ऑफिस के कूड़ेदान में 600 से अधिक टीचरों का मूल प्रवेश पत्र मिला है और तकरीबन 100 टीचरों के दस्तावेज गायब बताए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1 अगस्त से सभी टीचरों का काउंसलिंग शुरू होना है, जिसको लेकर टीचर बेहद परेशान हैं। एक से 400 वाला बंदर कहाँ है? देखो तो मिला था, देखो था ना, उठा हाँ उसको उठा लिया।